हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। हम क्वेश्चन पढ़े, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो आप सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्रायंगल एज आर इज कॉल्ड T1 T2 इज टू T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्वलेंस रिलेशन। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 with sides 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T1, T3 with sides 6, 8, 10, which triangles among T1, T2, 3, 3 are related, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए इस यहाँ पर रिलेशन दे दिया गया है कि T1, T2 is to T1 is similar to T2। देखिए इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन किया सब में बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन में सेम दिया हो या सिमिलर दिया हो तब उसका क्या होता है, उसका रिफ्लेक्सिव भी बनता है, सिमेट्रिक भी बनता है, उसका ट्रांजिटिव बनता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में सिमिलर या सेम दिया हो तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पे दे दिया T1 इज सिमिलर टू T2, तो मतलब कि T1 और T2 एक दूसरे के सिमिलर है। मतलब जैसे T1 की वैल्यू 10 है तो T2 की वैल्यू भी 10 है। जब दोनों सिमिलर हैं तो T1 रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, T1 रिफ्लेक्सिव होगा। जब भी क्वेश्चन में सेम दिया हो, सिमिलर दिया हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। देखिए सर, रिफ्लेक्सिव T1 belongs to T1, T1 belongs to R, ठीक है। जब भी इस क्वेश्चन में सिमिलर दिया होता है तो हमेशा आप याद रखें कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है, सेम दिया हो या सिमिलर दिया हो। तो दोनों का जब वैल्यू सेम है स्टूडेंट, तो T1 के बिलोंग्स कर सकता है। तो आप यहाँ लिख देंगे T1 इज सिमिलर टू T1, वो खुद से सिमिलर है, मतलब T1 के साथ बिलोंग कर रहा है, तो T1 इज सिमिलर टू T1 होगा। सिमेट्रिक क्या होगा, जब तो देखिए सिमेट्रिक भी होगा, क्यों, क्योंकि सिमिलर दिया हुआ है। जब सिमिलर दिया हो तो आपको पता है, बस अपना ध्यान है, सिमिलर दिया है, सेम दिया, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो जब T1 T2 है, T1 की वैल्यू भी 10 है, T2 की वैल्यू भी 10 है, T2 को हम अगर इधर रखेंगे और T1 इधर रखेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं, वैल्यू तो सेम रही, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो T1 T2 belongs to R, ये हो जाएगा T1 is similar to T2। अब देखिए उल्टा भी होगा, T1 belongs to R, क्यों, क्योंकि T2 is similar to T1 होगा। अब ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव हम क्या लेंगे, एक और वैल्यू बढ़ा लेंगे, T3 भी हम ले लेंगे, तो क्या होगा, T3 भी belongs कर, जब हमारे T1 T2 एक दूसरे इक्वल है, दोनों के सिमिलर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे जब T1 T2 बिलोंग्स कर R से, मतलब हमारा T1 T2 एक दूसरे के इक्वल है, आप यहाँ लिख लेंगे T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे जब T2 सिमिलर टू T3 क्या होता है, ट्रांजिटिव में AB BC AC, इतना बात आप ज़रूर ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव में AB BC CA AC होता है, AB BC AC, पहले ए बी एक साथ बिलोंग्स करता है, फिर बी सी बिलोंग्स करता है, फिर ए सी बिलोंग्स करता है। यहाँ पे ए बी बिलोंग्स हो गया, क्या हो गया, ए T1 है, T2 ए बी हो गया, और T2 T3 मतलब BC मतलब T2 T3 बिलोंग हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारा T2 T3 के साथ बिलोंग्स कर रहा है, जब हमारा T1 T2 एक दूसरे इक्वल थे, सिमिलर थे दोनों, और T2 भी T3 के साथ बिलोंग्स कर सकता है, तो T1 भी हमारा T3 के साथ बिलोंग्स कर सकता है। आप यहाँ लिख देंगे T2 इज सिमिलर टू T3, आप यहाँ लिख देंगे T2 इज सिमिलर टू T3, क्योंकि T2 और T3 बिलोंग्स कर रहे हैं R में। अब यहाँ लिख देंगे आप T1 सिमिलर टू T3, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे T1 सिमिलर टू T3, तो इट इज ट्रांजिटिव। आई सेमेस्टर जब क्वेश्चन में सेम सिमिलर दिया तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ट्रांजिटिव होता है, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है स्टूडेंट कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3, 4, T1 का साइड दिया हुआ है हमें 3, 4, 5, ठीक है, T2 का साइड दिया हुआ है 5, 12, 13, और T3 का साइड दिया हुआ है स्टूडेंट 6, 8 और 10। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि
इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है। देखिए सर, अगर हम T1 by T2 3, 6 और 4, 8, 5 और 10 T1 देखिए कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तीनों क्या है 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, तो 3, 4, 5, 6, 8, 10 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तीनों का क्या आ रहा है 1 by 2 आ रहा है। T1 और T2 एक दूसरे से, T1 एंड T3 क्या है रिलेट कर रहा है, क्योंकि तीनों का रेशियो क्या है 1 by 2 आ रहा है, तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप यहाँ पे करेंगे इसमें डिवाइड, तो 3 by 5 आएगा इसका, इसका 4 by 12 आएगा, 1 by 3 आएगा इसका, इसका 5 by 13 आएगा, तो सब एक दूसरे अलग अलग है। इस लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि T1 और T3 की तीनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे T1 एंड T3 रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा मिस्टर देखिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 ये कहा स्टूडेंट, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल द पॉलीगंस एज आर इज इक्वल टू P1 P2 इज टू P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट, सेम दिया हुआ है, सेम दिया हुआ मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी और ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। आगे देर इक्विवेलेंस रिलेशन शो करें, पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो सेम दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे होगा देखिए, जब हम P1 P2 एक दूसरे के सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि P1 बिलोंग्स कर रहा है R से, ठीक है, मतलब P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 have the same number of sides with itself. Itself मतलब खुद से, P1 क्या है, खुद से belongs कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, P1 खुद के साथ belongs कर रहा है, तो P1 have the same number of sides with itself, खुद के side से equal है, ठीक है, दोनों की side क्या है P1 एंड P1 दोनों की side क्या है same है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट symmetric निकालते हैं, symmetric क्या होगा, P1 P2 belongs to R, क्योंकि P1 have the same number of sides, P1 and P2, ठीक है, यहाँ आप लिख दी P1 and P2 have the same number of sides, the same number of sides, ठीक है। अब यहाँ आप लिखेंगे P2 भी P1 के साथ belongs कर रहा है हमारे, सिमेट्रिक क्या होता है, P1 P2 है, तो इसका उल्टा हो जाता है, P2 और P1 हो जाता है, तो जब P1 P2 बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे सेम भी दिया हुआ है, तो दोनों जब P1 P2 एक जैसे इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, तो P2 बिलोंग्स टू P1, तो यहाँ पे आप देख देंगे P2 एंड P1, यहाँ पे P1 एंड P2 क्या था, आगे क्या है P1 है, पीछे क्या है P2 है, तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे आगे क्या है P2 है, तो P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी क्या होगा, इसमें हम तीन ले लेंगे, मतलब P1, P2 और एक और ले लेंगे, P3 भी ले लेंगे, जब हमारे P1, P2 एक दूसरे इक्वल हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो हमारे क्या होंगे, हमारे P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ठीक है। तो P1, P2 बिलोंग्स टू आर, आप यहाँ लिख देंगे P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे P2 और P3 बिलोंग्स करेंगे, जब ट्रांजिटिव हो रहा है, ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी बन रहा है, बी सी भी बिलोंग्स करना चाहिए, बी सी क्या है P2 एंड P3 है, तो P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, जब P2 P3 के साथ बिलोंग कर सकते हैं, तो P1 भी कर सकता है, ठीक है, तो P1 और P3 भी आपस में बिलोंग्स कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इट इज़ ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए सर आगे दिया हुआ है, इसमें देखिए सर इसमें आगे दिया हुआ है कि वॉट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल्स टी विथ साइड 3, 4, 5, ठीक है, तो क्या सेट बनेगा जब ए रिलेट करेगा राइट एंगल ट्राइंगल सेट विद साइड 3, 4, 5, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या होगा इसमें कि द एलिमेंट ए रिलेटेड, जब एलिमेंट हमारा रिलेट करेगा राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स, जब एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट कि द एलिमेंट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4, 5, तो वो क्या होगा? देखिए इसमें यहाँ पे पी क्या था, यहाँ पी पॉलीगन्स था, ठीक है? तो 3, 4, 5 क्या है? वो पॉलीगन है जो क्या होंगे, और देखिए इसमें यहाँ पे 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो ये पता है आपको ट्राइंगल में, ट्राइंगल का ट्राइंगल भी क्या होते हैं, 3 होते हैं, ट्राइंगल भी क्या होते हैं, ट्राइंगल के भी साइड्स 3 होते हैं, यहाँ पे भी साइड कितना दिया, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5 वो आर दोस पॉलीगन्स हैं, यहाँ पे पी पॉलीगन्स था, तो यहाँ पे 3, 4, 5 बात क्या कर रहा है, 3, 4, 5 हमारे पॉलीगन्स है, तो आर दोस पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड्स, 3 साइड दिया हुआ है, कौन कौन सा, 3, 4, 5, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3, 4, 5 होते हैं, तो इसमें यही कह रहा है कि 3, 4, 5 आर दोस पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड, जिसका 3 साइड दिए हुए हैं, तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, hence the set of all the elements. तो देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ कि hence the set of all elements A in A related to the triangles is the set of ऑल ट्राइंगल. देखिए सुन यहाँ पे, देखिए सुन यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए द एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल, जो एलिमेंट ए है, जो एलिमेंट ए दिया हुआ 3, 4, 5 वो पॉलीगन है, पी यहाँ पे पॉलीगन था, ठीक है? तो वही यहाँ पे पॉलीगन की बात कर रहे हैं सुन, कि एलिमेंट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड 3, 4, 5, जो हमारा पॉलीगन्स का साइड दिया हुआ 3, 4, 5 वो पॉलीगन है जिसके 3 साइड, और 3 साइड किसके होते हैं, 3 साइड ट्राइंगल के साइड भी होते हैं, तो हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, जो सेट ए के साथ रिलेट कर वो क्या है, वो है ट्राइंगल है, इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है? तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, ये आपको पता है, ट्राइंगल पॉलीगन भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे होगा द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द ट्राइंगल इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल, ठीक है?